मेरठ में जेल से छूटते ही तीन अपराधियों ने गैंग बना लिया। वे दिन ढलते ही बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाते और तमंचा दिखाकर लूट की वारदातें करते। चार दिन पहले उन्होंने बालेमिया दरगाह के पास स्कूटी सवार युवक से लूटपाट की। थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम की सहायता से आरोपितों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। तीनों आरोपित पेशेवर अपराधी हैं। ये पिता की हत्या, लूट, चोरी और CAA व NRC के विरोध में हुई हिंसा के मामलों में जेल जा चुके हैं। तीनों बदमाश एक अधिवक्ता से 12 लाख रुपए की लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस लाइंस में मंगलवार को प्रेस वार्ता में SP क्राइम अनित कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम बालेमिया दरगाह के सामने स्कूटी सवार मुजम्मिल से बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर नकदी व मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। यमन की ही मुखबिरी पे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसमें 12 लाख की लूट की संभावना थी। इनकी प्लानिंग ये थी कि अमन की जो माँ है वो तबस्सुम, वो एक कमेटी चलाती है, तो जिसके पास कमेटी का पैसा जाना था वो कोई पेशे से वकील हैं, उनसे ये वारदात करने वाले थे। उसमें संभावना थी कि 12 लाख रुपए उनको मिलेगा, तो ये तीनों मिलकर उनके साथ ये लूट की वारदात करने वाले थे। उससे पहले ही हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया।